मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की रडार पर हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक और नेता प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर आए। दरअसल मंगलवार की सुबह सुबह एक और विधायक के घर ईडी की टीम पहुंची। ईडी ने आप नेता और विधायक अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर छापा मारा। यह रेड करीब 12 घंटों तक चली। बता दें कि अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर रेड अब पूरी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अमानतुल्ला के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करवाई थी। इसी मामले में ईडी ने अमानतुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने FIR के आधार पर ही अमानतुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन CEO ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान भी जारी किया था। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्ला ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया। इसके साथ ही अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर भी दिया था। ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है, जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। आपको बता दें कि इस संबंध में ACB ने सितंबर 2022 में अमानतुल्ला से पूछताछ की थी। उसके बाद सूचना के आधार पर 4 जगहों पर छापे भी मारे गए थे। छापे के दौरान करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद किया गया और इसके अलावा 2 अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल मिली थी। कारतूस और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। फिर उनके खिलाफ सबूतों और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों की रडार पर है। साल भर पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद शराब घोटाले में मनोज सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और अब हाल ही में शराब घोटाले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।